जा रहे हैं. सो व्हाट डू हैव टू से अबाउट इट, लाइक आर वी गेटिंग अ बिग यूनिवर्स फ्रॉम मैडॉक फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फिल्म्स? कोशिश तो है ऐसा कुछ करने की, लेकिन आई थिंक ये मेरी पूरी जर्नी टू मेक फिल्म्स ना इज लाइक, मैं यहाँ से हूँ नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म बिजनेस. सो मुझे लगता नहीं था, मैं जब पहली दो तीन पिक्चर बनाई मुझे ये भी नहीं लगा कि मेरा करियर होगा कि नहीं है. अभी ये जो यूनिवर्स का आइडिया है इसका, एक्चुअली हमारे साथ अमर कौशिक नहीं है जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो ये पूरे यूनिवर्स के कर्ता धरता है, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली, जैसे जब आप भेड़िया देखेंगे इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, और इसके बाद स्त्री चालू हो रही है तो वो कनेक्ट होती है भेड़िया से, तो भेड़िया और स्त्री का क्या रिश्ता है, वो कैसे रिलेटेड है, कैसे मिलेंगे, उसके बाद एक वैम्पायर भी ला रहे हैं हम, फिर एक मुंझा ला रहे हैं, तो ये सब कनेक्ट होगा. लेकिन इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पिक्चर चले, आप इसे प्यार दें, इसलिए हम यहाँ आए, आप इसे चलाएं, फिर हम यूनिवर्स पे यूनिवर्स बनाते रहेंगे. ओके, आई वांट टू आस्क कृति दैट यू नो व्हेन यू वर्क विद मैडॉक फिल्म्स बिफोर ऑल्सो मिमी में परम सुंदरी वॉज अ ह्यूज हिट एंड नाउ ठुमकेश्वरी इज अनदर ह्यूज हिट. सो वुड यू हैव टू से अबाउट द सॉन्ग्स, डू यू थिंक यू आर द लकी चार्म इन द सॉन्ग्स बीइंग अ हिट? No, no, not necessarily. Madhav films have had many other songs which have been a huge hit. But I personally love dancing. So whenever I'm given a dance number which is as good as these two songs, you know, I'm like really the happiest on the set. तो मैं, मुझे दोनों गाने करके बहुत बहुत मजा आया. और पर दोनों गाने actually गणेश मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किए हैं. सो आई रिमेम्बर जब हम ठुमकेश्वरी शूट कर रहे थे तो गणेश मास्टर जी वाज़ सेइंग ये ना परम सुंदरी से भी बड़ा होगा. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड कि इट्स द सॉन्ग इज गॉटन सच अ गुड रिस्पॉन्स एंड यू लविंग इट, लविंग डांसिंग टू इट. थैंक्स. ओके, कैन यू टेल मी वरुण, मूवी क्या VFX इज बीइंग अप्रिशिएटेड ऑलरेडी इन द ट्रेलर, वी आर ऑब्सेस्ड विद इट, मतलब आई थिंक पीपल हैव रिव्यूड द ट्रेलर फॉर द VFX. So what do you have to say about the VFX of the film? And sir, even if you can add something about the VFX of the film. Jo VFX hai film ki, I think it plays a very important part. Wo ek, in its own way, is one of the biggest heroes of the film. Aur I can proudly say ki jo film pe kharcha hua hai, jo sabse zyada kharcha hua hai, wo VFX pe hua hai. Dino has allocated the most money for the VFX. Kyunki hum chahte the ki ye VFX world class ho. That's why we got a studio, जो स्टूडियो ने काम किया है MPC, उन्होंने बहुत सारे क्रीचर फिल्म्स किए हॉलीवुड में ग्लोबल लेवल पे, तो ताकि जब हमारी ऑडियंस आके ये फिल्म देखे तो वो कभी वो निराश ना हो या उन्हें ऐसे नहीं लगे हाँ अच्छा था बट यार वो किसी की इंग्लिश फिल्म में बेटर रहता है, वो ही लेवल पे होना चाहिए क्योंकि आज की ऑडियंस वो लोग एक्सपोज हो गए टू ऑल टाइप्स ऑफ सिनेमा. Right. Sir, anything you want to add about the VFX of the film? I think, you know what is very very important is this is a film when you see you'll be proud of the VFX. You know generally we watch a film and we see and we almost think that hamara thoda second hand VFX hota hai. This is something which is world standard. When you see this Wolf, it is fully, you know, Indian in culture and of quality that even anyone sitting in Hollywood will say ke well done. So I think this is something as Indians will be really, really, really proud of. Okay. Before I hand it over to the press, I just want to ask one question to each one of you. Bhediya, jo is movie ka concept hai, werewolf basically comes out of a very strong emotion inside of you. So aapke real lives mein, what is that one thing that awakens the Bhediya inside you? Varun awakens the Bhediya. He asks so many questions and he calls so many times in a day. So I think Varun can evoke the Bhediya in anybody. He's that passionate when it comes to a film. Varun? मेरे लिए I think मेरी फिल्में, मैं बहुत protective हूँ मेरे फिल्मों को लेकर, तो जब भी कोई कुछ बोलता है, जब भी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो Bhediya जागरूक हो जाता है. I think मैं जब भी कोई भी तरह के biases देखती हूँ, whether it's men, women, whether it's, you know, religion, so any kind of biases, I think that bothers me really. तो वो थोड़ा सा एक मेरा भेड़िया वाला रूप तब आ जाता है. Right. Okay. So now we open it to the press, but before that, can we have Varun and Kriti do the famous Bhediya howl? No. Okay. We'll start, but I think let's start with the press. Then in the end, we'll okay. howl for we'll, sure. Okay. At the end, we'll make everybody howl. Yeah. Okay. Yeah. हाँ जी मैम. हाँ हाँ. आपकी आपका. हमेशा आप लकी चार्म हो मेरी. हाँ जी, होप सो आप बोल रहे हो तो 100% होगी.
ब्रेक को नहीं छोड़ती है। राहुल रॉय, महेश भट्ट जी, मैसेज भी तो चला जाता है। उसका चेक बना क्या विजय शिशोदिया सर, उसने मेल कर दी। हाँ, नहीं 100% मैं अपना बोलता हूँ, जैसे कि आपने कहा तो बचपन में ऑब्वियसली मैंने भी जुनून देखी थी और मैं बहुत बड़ा फैन था और मैं एक्चुअली बिलीव करता था कि क्या राहुल रॉय जी एक टाइगर है उस वक्त जब मैंने देखा था। एंड आई रियली लाइक द, और इनफैक्ट जब ये फिल्म ऑफर भी हुई थी मुझे तो अमर ने बोला था कि यार ऑब्वियसली यू नो देयर आर फिल्म्स लाइक ट्वाइलाइट और ये सब बन चुके हैं, बट हमारी जो प्रेरणा है ये जो हमारी हमारे हिंदी फिल्म के इतिहास है वहां से ही हुई है, चाहे वो जुनून हो या चाहे वो नागिन हो, यू नो ये सब फोकलोर जो है वो हमारे ही कहीं ना कहीं भारत के आप छोटे छोटे कोने में चले जाओ, विलेजेस में चले जाओ, ऐसे बहुत कहानियां होती है कि कोई आदमी या औरत अगवा होगी या वो खो गई एक जंगल में, खो गए जंगल में और फिर वो दूसरे रूप में धारण होकर वापस घर लौटे या कुछ अलग लैंग्वेज में फिर बात कर रहे, तो ये हमें हमेशा सुनने को मिलती है। बचपन में ये कहानियां लोग बताते हैं, दादी या नानी बताती है, और उस वक्त क्योंकि हम लोग जो सिटी में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं वो अक्सर हम लोग बोलते हैं हम लोग अपना पूरा जो बिलीफ है साइंस में डालते हैं, हम लोग को ये सब चीजें नहीं बिलीव करना है, बट कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी होती है, ये हमारे दुनिया में है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स डू आर देयर, मिरेकल्स डू हैपन, कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइंस सपोर्ट नहीं करती है, अभी उसे हम क्या कहेंगे, तो वो एलिमेंट्स भेड़िया में है। एंड मेहनत तो बहुत लगी है, और जो अमर कौशिक है हमारे डायरेक्टर, उनके पूरे जो विजन था उनका, बस मैंने वो फॉलो किया है। छह महीने से लेके एक साल तक बहुत बहुत मेहनत हुआ है हमारा, इसके आज ही बचपन में बहुत बहुत पसंद आई मुझे।